बुलंदशहर के बहुत चर्चित सराफा से लूट व गोलीकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने लूट में शामिल सभी चारों आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। घटना का खुलासा भी आज पुलिस ने किया है। सचिज व बादल सराफा को मारने के बाद आभूषण लूट कर हुए थे फरार। इमरान और अजहर पर भी लूटे हुए आभूषण बेचने की जिम्मेदारी। पुलिस ने चारों आरोपी किए गिरफ्तार। दो तमंचे व लूटे हुए आभूषण बरामद। बुलंदशहर नगर क्षेत्र में 3 नवंबर को धमेड़ा अड्डे पर सराफा की दुकान में हुई थी वारदात। क्या इसमें खुलासा है, क्या बरामद हुआ? दिनांक 3/11/2022 को लगभग सायं 4:30 के आसपास एक घटना होने की सूचना आई थी कि एक ज्वेलर्स थे, उनके गोली की दुकान पर गोली मार करके लूटपाट कर रहे थे। इस सूचना पर हमारी टीम, सारे अधिकारी मौके पर पहुँचे, छानबीन की गई, तमाम बिंदु इसमें थे, तमाम फुटेज वगैरह खंगा ले गए, तमाम जो सर्विलांस हमारे काम था उसकी मदद ली गई। उन सब सारी चीज़ों से जो चीज़ें निकल के आई, तथ्य निकल के आया, उसमें ये निकल के आया कि एक व्यक्ति है, सचिन नाम का लड़का है, जो उसी जहाँ पर घटना हुई उसी के पीछे का गाँव है जश्नावली खुर्द, वहाँ रहने वाला है। वह जो हमारे मेन अभियुक्त जिन लोगों ने इसमें गोलियाँ चलाई और लूटपाट की, उनके साथ वो फाइल ही रहा है। नो डाउन उसके 4 मुकदमे उनके ऊपर भी हैं और जो हमारे अभियुक्त हैं उनके ऊपर भी मुकदमे हैं। तो ये सब साथ साथ वहाँ रहे, लगातार संपर्क में रहते थे। उनके संपर्क में एक और अभियुक्त था जो हमारे ही जनपद से जेल गया था, थाने से, पासू थाने से। तो उसमें भी एक था कि उसको भी सहयोगी उनका था, उसका भी वहाँ पर एक भाई है, वो भी वहाँ रहता था, जिसकी वजह से उन टारगेट में था जो वहाँ पर दुकान अकेले थी। तो उन्हें भी लगा कि यहाँ पर सहजता से इस काम को अंजाम दिया जा सकता है। वो लोग वहाँ पर एक कमरा लेकर के हमारे थोड़ी दूरी पर एक मोहल्ले में रह रहे थे, जिसमें एक बादल नामक लड़का उसको कमरा दिया दिलवाया था और सहयोग किया था उसका। इस प्रकार से उनका एक सहयोगी सचिन था जो प्लानिंग किया, उसको सूचना दिया, और दूसरा बादल था जो उसने उनको कमरा रुकने की व्यवस्था कराई, सारी चीज़ें उनकी व्यवस्था की। उन लोगों ने घटना करने के बाद तत्काल फरीदानगर में एक ज्वेलर्स हैं जिनको आप लोग सामने अभी प्रस्तुत किया, जिनका नाम इमरान और अजहर है, दोनों साझे में ज्वेलरी की दुकान करते हैं। इन लोगों ने कि हाँ उसको जाके बेचा, बेचने के पीछे दुकान पर बेचने के पीछे उनका मकसद ये था कि जो इसमें इमरान है ये उनसे पहले से परिचित था। इमरान पहले ओयो नामक एक वहाँ रेस्टोरेंट था, वहाँ पर काम करता था, जिसमें उसमें सभी आया जाया करता था और दारू वगैरह भी वहाँ पीता था और सब खाने पीने का वहाँ रहता था, जिससे इसकी दोस्ती हो गई थी और अभी भी जारी थी। तो इस प्रकार से इन लोगों ने एक घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद फरार हो गए थे। हमारे जो सूचना तंत्र है, हमारा सर्विलांस और हमारे CCTV फुटेज की जो हमारे एसओजी और हमारे थाने की टीमें थी, उन्होंने तक प्रयास करके इनको चिन्हित किया और इनकी आज गिरफ्तारी हुई है जो आप लोगों के सामने है। उससे इनसे माल भी बरामद हुआ है, दो लोगों से सचिन और क्या नाम है इमरान से तमंचे बरामद हुए हैं, और इन लोगों से लगभग 1 kg 4700 ग्राम चांदी बरामद हो गई है। बाकी शायद वो भी अभी तो बेचे नहीं, या जो भी स्थिति है उनको मिलने के बाद उनसे भी बरामद किया जाएगा। इस प्रकार से पूरा माल बरामद करके इनको कार्रवाई पूरी कराई जाएगी। सर, CCTV फुटेज जो घटना की सामने, उनके लिए भी हमारी टीमें सतत लगी हुई हैं और प्रयास कर रहे हैं और जल्दी उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी।